IPBX। दोस्तों क्या होता है ये, इसके क्या फायदे होते हैं और ये कैसे काम करता है, हर बिजनेसमैन को ये वीडियो देखना जरूरी है, बिकॉज IPBX ने काम करने के तरीके को बदल दिया है, कन्वीनियंट बना दिया है, इकोनॉमिकल बना दिया है और इसके अनेकों फायदे हैं। तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे PBX पहले काम करा करता था और आज IPBX ने उसकी जगह ले ली है, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए जरूरी है, बिकॉज इसके फायदे एक स्मॉल स्केल कंपनी, एक बिग स्केल कंपनी, एक स्टार्टअप, हर कोई ले सकता है। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो कंपनी की, इससे आप अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कस्टमर सर्विस सपोर्ट और बहुत सारी चीजें आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो मैं हितेश गुप्ता आप लोगों के लिए IPBX के ऊपर ये कंप्लीट गाइड लेकर आया हूं, पूरी देखिएगा। और आपको मैं ऐसी कंपनी के बारे में भी बताऊंगा जो पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट IPBX सॉफ्टवेयर और डिवाइस प्रोवाइडर है। बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया के और वर्ल्ड के उनके प्रोडक्ट सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो अफोर्डेबल है, वो रिलायबल है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल में 1000 के अराउंड नए वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे IPBX के बारे में, मगर दोस्तों उससे पहले जानना जरूरी है PBX के बारे में, मतलब प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। दोस्तों PBX एक हार्डवेयर, एक डिवाइस हुआ करता था, आज भी यूज होता है, बट वो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है IPBX के द्वारा, बिकॉज वो ज्यादा एडवांस है। तो PBX में क्या होता था, जनरली आप जब बात करते हैं मॉल्स की, सोसाइटीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, फैक्ट्रीज की, बैंक की, ठीक है, ऐसी कंपनी जहां पर 500,000, 2,000 या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो दोस्तों वहां पर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर यूज होते थे, मोबाइल फोन, उसके अंदर आपके पास एक फोन का हार्डवेयर हुआ करता था, एक बड़ा सा उसके अंदर हार्डवेयर लगता था जिसके अंदर लैन आती थी और वहां पर बहुत सारी ऐसी वायरिंग होती थी जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ताकि इंटरनल जो कम्युनिकेशन है वो इकोनॉमिकल हो जाए। क्योंकि पहले के टाइम में जो कॉल रेट था, कॉल करने का, इनकमिंग का, सब ज्यादा हुआ करता था, तो आज उसको रिप्लेस करा गया IPBX के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए बड़े बड़े हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए पहले क्या है, डिवाइस बढ़ानी पड़ती थी, अगर उसके अंदर हमें कोई फंक्शनैलिटी, कोई सॉफ्टवेयर, कोई फीचर ऐड करना पड़ता था तो PBX के लिए उसके लिए अलग से डिवाइस या हार्डवेयर लगता था या उसको एक्सपेंड करा जाता था, और लिमिटेशन होती थी उसके अंदर मल्टीपल, कि आप कितनी लाइंस उसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता था और वो उतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था, इकोनॉमिकल नहीं था। बट एज कंपेयर टू PBX, आज जो IPBX यूज होता है वो कोई बहुत बड़े बड़े उसके लिए हार्डवेयर या डिवाइसेज नहीं लगते, एक छोटा सा डिवाइस लगता है दोस्तों, ठीक है, जो IPBX डिवाइस होता है और उसके अंदर IPBX का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो डिवाइस एक स्विच से, एक लेन से कनेक्ट हो जाता है और उसमें से एक लेन जो आपके घरों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, अलग अलग जगहों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वायरिंग के थ्रू, ठीक है। अब है क्या, क्योंकि वो सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो उससे आप एक डिवाइस से, एक छोटी सी डिवाइस से आप हजारों, 1,000, 2,000 या उससे भी ज्यादा आप टेलीफोन लाइंस कनेक्ट कर सकते हो, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एम्प्लॉयज आपस में इजीली काम कर सकते हैं, उसमें आपके कोई कॉलिंग चार्ज नहीं लगते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि जो IPBX है वो है क्या, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज ही है, बट वो इंटरनेट प्रोटोकॉल और वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो अब उसके अंदर अगर कोई CRM, कोई इंटरफेस, कोई IVR या कोई भी ऐसा अदर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है तो वो उसी सॉफ्टवेयर में हो जाता है, उसके लिए अलग से कोई हार्डवेयर, अलग से कोई आपको एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं होती।
तो उसको आप इजीली बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो IBBX ने अनेकों फायदे दिए हैं, वो सारे बेनिफिट्स भी मैं आपको अब बताऊंगा एक एक करके, और कंपनी के बारे में भी जानेंगे, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगा, आप फ्री डेमो के लिए बात कर सकते हो, उनकी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ताकि वो लोग आप इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाएं, आप उनसे रेट्स ले सकते हो और अपनी कंपनी, बिजनेस, सोसाइटी कहीं पर भी इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। तो दोस्तों जानेंगे इसके बेनिफिट। तो 7 बेनिफिट्स हैं, जो मेजर बेनिफिट्स हैं इस IBBX सिस्टम के। तो दोस्तों सबसे पहला, ये बहुत आसान है इसको कॉन्फिगर करना और इंस्टॉल करना। दूसरा, इसको मैनेज करना बेहद इजी है, बिकॉज इसमें सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको इजीली अदर सॉफ्टवेयर CRMs के संग कॉन्फिगर कर सकते हो, तो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हो। तीसरा है, ये बेहद कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इतना इकोनॉमिकल है कि आपको जो पहले PBX यूज करे जाते थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है। फोर्थ है, एलिमिनेट फोन वायरिंग। तो जो वायरिंग का जंजाल हुआ करता था, एक तो उससे छुट्टी मिल गई, उसके अलावा दोस्तों के अब पहले दो वायरिंगों की मेन जरूरत होती थी, फिर वहां से अलग वायरिंग निकलती थी, अब एक ही वायरिंग निकलती है और Cat6 वायरिंग के थ्रू इजिली सारी नेटवर्किंग हो जाती है। फिफ्थ है, हाईली स्केलेबल, मतलब स्केलेबिलिटी इश्यू इसमें आपको आएगा ही नहीं, आपका जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे ही आप इससे कितना भी ज्यादा स्केल अप कर सकते हो, और ये आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सिक्स्थ है दोस्तों, ये प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयज की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कस्टमर सपोर्ट आपका बेहतर करता है। सेवन्थ बेनिफिट है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है IBBX का, उसको आप अदर सॉफ्टवेयर या CRM के संग बहुत ही इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चाहे आपको IVR इंटीग्रेट कराना है, कॉलिंग से रिलेटेड आपको अलग अलग सॉल्यूशंस इंटीग्रेट कराने हैं, ठीक है, और आपके कोई CRM है उसको आपको कॉन्फ़िगर कराना है, तो यहां पर इजीली आप ये सब चीजें कर सकते हो। तो इस वजह से यहां पर आपको एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर, एक्स्ट्रा कोई डिवाइसेस वगैरह की जरूरत नहीं है, तो वो पैसा भी बचता है आपका। और दोस्तों ये जो IBBX का डिवाइस और उसका जो सॉफ्टवेयर है, ये आप अगर अपनी कंपनी के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए या किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए लेना चाहते हो, तो आप सैन सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी ले सकते हो, बिकॉज उनके ये सॉफ्टवेयर्स ग्लोबली यूज करे जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में यूज करे जाते हैं, 20 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, ट्रस्टवर्दी है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट है, और ये आपको फ्री डेमो, फ्री ट्रायल्स भी ये अवेलेबल कराते हैं, ताकि आप इसके फायदे अपने बिजनेस के लिए समझ पाए। और उनसे संपर्क करने के लिए आप उनकी वेबसाइट sansoftwares.com पे जा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप उनको कॉल भी कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों अफोर्डेबल, रिलायबल, ट्रस्टेबल कंपनी है, और दोस्तों अगर आप लोगों को इससे फायदा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोगों को बताइएगा, उनके भी बिजनेस में उनको फायदा हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मुझसे, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हो हमारी एजेंसी से, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों मार्केटिंग फंडास ने आप लोगों की डिमांड पे डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी बनाई है, तो हमारे फेसबुक और लिंक्डइन के ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, कंपनीज और वहां पर लाइक माइंडेड लोग आपको मिलेंगे, जिनके संग कनेक्ट होकर आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं, तुरंत ज्वाइन करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।